अज़म्लिम शैतानीरमी हाई एवरी वन आई एम अमजद खान एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमजद सो गाइज ये भी द पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑब्जर्वर जो न्यूज़ पेपर है उसका है पार्ट ट्वेंटी सेवन यानी सत्ताईस पार्ट है जो बिगनर्स का सीरीज़ चल रहा है तो आहिस्ता था आहिस्ता हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे तो तब तक तो आपको समझ आया होगा काफ़ी तो काफ़ी न्यूज़पेपर को मतलब थोड़ा बहुत आप जानते होंगे अभी पैसे और टेंसेस वग़ैरह और वो कैबलरी भी इन्हेंस इनशाला होती रहेगी साथ साथ तो चले टाइम ज़ाय किए बग़ैर स्टार्ट करते हैं वीडियो जी सुर्खी है यानी हेडलाइन है एट बिलियन ऐट बी का मतलब है ऐट बिलियन बींग स्पेंट ऑन आई टी ट्रेनिंग फॉर यूथ कह रहे जी आठ बिलियन आठ बिलियन जो रुपए है बींग स्पेंट बींग स्पेंट यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूज का पैसे है बींग स्पेंट यानी खर्च किए जा रहे हैं कहाँ खर्च किए जा रहे हैं ऑन आई टी ट्रेनिंग फॉर यूथ आई टी आई टी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन ऑन आई टी यानी Uh, मतलब इंटरनेशन सॉरी आईटी टी टेक्नोलॉजी के ऊपर के ट्रेनिंग के ऊपर फॉर यूथ यानी जो यूथ के लिए है हमारे जो नौजवानों के लिए है उसके ऊपर इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आतिफ खान ट्यूसडे सैट जो खैबर पख्तूनख्वा का मिनिस्टर है यानी वज़ीर है फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वज़ीर है क्या नाम है उसका आतिफ खान आतिफ खान त्यूजडे यानी त्यूजडे को उसने कहा सैट कहा दैट के गवर्नमेंट एज स्पेंडिंग यानी हुकूमत वो स्पेंड कर रही है खर्च कर रही है स्पेंडिंग का मतलब है खर्च कर रही है एट बिलियन आठ बिलियन रुपीज खर्च कर रही है किस पे ऑन वेरीस ट्रेनिंग्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेरीस का मतलब है मुख्तलफ मतदी जो कई ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर ख़र्च करेगी ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो क्लासेज़ हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग के ऊपर खर्च की जाएगी एमिंग एमिंग का मतलब है कि उसका मकसद क्या है हदफ क्या है उसका एमिंग कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ यूथ यानी उसका जो मकसद है वह है कैपेसिटी बिल्डिंग कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है कि किसी की एहलीत को बढ़ा देना किसी किसी की एहलीत को बढ़ा देना किसी की काबिलियत को बढ़ोतरी देना उसके लिए यानी नौजवानों में काबिलियत पैदा करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑफ यूथ यानी नौजवानों में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सलाहियत बढ़ाने के लिए एड्रेसिंग सरमनी हेयर यानी वो एक एड्रेस एड्रेस कर रहे थे यानी खिताब कर रहे थे कहाँ खिताब कर रहे थे असर मनी हेयर यानी एक सरमनी से वो खिताब कर रहे थे एड्रेसिंग असरमनी हेयर सरमनी का मतलब है कोई तकरीब तकरीब वगैरह यानी वो एड्रेस कर रहे थे खिताब कर रहे थे असरमनी एक आ, उससे तकरीब से ही सेट उसने कहा देट के हीज अमाउंट यानी काफ़ी अमाउंट हीूज का मतलब है बहुत या काफ़ी अमाउंट यानी रकम काफ़ी रकम हैज़ भी इंस्पेंट हैज़ भी इंस्पेंट का मतलब है कि खर्च कर दिया गया ऑन ट्रेनिंग्स यानी ट्रेनिंग्स के ऊपर क्लासेस के ऊपर कीपिंग इन व्यू मदे नज़र रखते हुए कीपिंग इन व्यू का मतलब है मद्देनजर रखते हुए द दग्निफिस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द दंटेम्प्ररी वर्ल्ड द सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस कहते हैं अहमियत को एम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस एम्पोर्टेंस यानी अहमियत किस चीज़ की अहमियत ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत के ऊपर इन दंटेम्प्ररी वर्ल्ड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का मतलब है कि असर हाजिर यानी मौजूदा वक्त की ज़रूरतों के मुताबिक ही सैड उसने कहा दैट के गवर्नमेंट एज़ गिविंग स्पेशल अटेंशन गविंग गवर्नमेंट एज गिविंग ये प्रेजेंट इन प्रेजेंट कंटीन्यूज का टेंस है कि गवर्नमेंट एज गिंग हुकूमत दे रही है क्या चीज़ दे रही है स्पेशल अटेंशन यानी ख़ास तौर पर अटेंशन तवज्जो किस चीज़ के ऊपर टू प्रमोट इन्फॉर्मेशन यानि इन्फॉर्मेशन को प्रमोट करने के लिए तरक्की देने के लिए बढ़ावा देने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर इसको बढ़ावा देने के लिए एंड एड और उसने मज़ीद बताया दैट के गोल ऑफ़ प्रोग्रेस गोल कहते हैं किसी चीज़ का हदफ़ हासिल करना किसी चीज़ क, कोई कोई हदफ हम रखते हैं कि इसको मैंने हासिल करना है उसको गोल कहते हैं कि मतलब कोई मकसद कोई अहमियत कोई हदफ तो कौन सा हदफ़ ऑफ़ प्रोग्रेस यानी तरक्की करने का जो हदफ़ है एंड प्रॉस्पेरिटी कुड नॉट बी एचीव प्रॉस्पेरिटी prosperity का मतलब है खुशहाली प्रॉस्पेरिटी कुड not बी achieved यानी जो खुशहाली है वो, वो अचीव नहीं हो सकती यानी हासिल नहीं किया जा सकता विदाउट मेकिंग एडवासमेंट इन फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी वो कह रहे कि खुशहाली नहीं किया जा हासिल नहीं की जा सकती विदाउट मेकिंग यानी बग़ैर बनाए एडवांसमेंट बग़ैर एडवासमेंट किए हुए बग़ैर तरक्की किए हुए किस चीज़ में तरक्की की हुई इन फील्ड फील्ड कहते हैं मैदान में कोई शोबा कोई मैदान यानि उस फील्ड में उस मैदान में उस शोबे में तरक्की नहीं की जा सकती Uh, मतलब अचीवमेंट uh, नहीं की जा सकती ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उस मैदान में हम नहीं तरक्की हासिल कर सकते जब तक उसमें हम एडवांस नहीं होंगे ही टोल्ड दैट ही टोल्ड दैट उसने बताया कि मोर देन वन लैख यूथ आर हैविंग एडवांस्ड ट्रेनिंग of information technology that would enable them to compete in current world that is full of challenges and opportunities he told that usne more than one lakh youth yani says yada no आर हैविंग एडवांस्ड यानि एडवांस्ड हो रहे हैं ट्रेनिंग यानी एडवांस ट्रेनिंग ले रहे हैं ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दैट जो के वे जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है इसका मतलब है, जो के दैट वुड इनेबल दैम जो के वैट वुड इनेबल दैम उनको इनेबल करेगी इनेबल का मतलब है फाल करना किसी चीज़ को किसी चीज़ को काबिल करना तो यानी वो कह रहे हैं कि वो उनको इस काबिल करेगी टू कम्पीट कि वो मुकाबला कर सके मुकाबला करने के लिए कम्पीट करने के लिए यानि मुकाबला करने के लिए इन करंट वर्ल्ड जो मौजूदा असर हाजिर है जो मौजूदा दौर है इसमें यानी मुकाबले के लिए वो तैयार वो करेंगी दैट एज़ फुल ऑफ़ चैलेंजेस एंड ऑपरचुनिटीज़ यानी जो कि चैलेंजेस से और ऑपरचुनिटीज से भरपूर है ओपरच्य ओपरचुनिटीज़ का मतलब है मौाक़ यानी उनको मौाक़ मसर आएंगे और चैलेंजेस भी उनको होंगे और वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो इनका असर हाजिर में उनका मुकाबला किया जा सके इन चीज़ों का तो गाइज़ ये था आज का एक छोटा सा न्यूज़पेपर का एक पार्ट और ये था पार्ट ट्वेंटी सेवन तो मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़